इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आ चुका है एक जॉइंट हगी वगी जो कि अभी जा रहा है एक जॉइंट चौकी डोल से लड़ने। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा ही होगा कैसे चौकी डोल पूरा शहर में हंगामा मचा के सारे लोगों को मार रही थी, फिर कैसे फ्रैंकलिन ने आयरन मैन के टॉय से एक जॉइंट आयरन मैन बनाया था जो कि जा रहा था चौकी डॉल को मारने, लेकिन वो क्या वो खुद ही मर जाता है। अगर आप लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में दिख रहा है उसको क्लिक करके देख सकते हैं पिछला पार्ट। अरे ये क्या, आयरन मैन तो खुद ही मर गया, अब मैं क्या करूँ, आयरन मैन भी मर गया यार, क्या करूँ। कुछ तो मोबाइल में मैसेज आया, देखूँ तो क्या है। चौकी डॉल एक श्रापित डॉल है जिसे श्रापित डॉल से ही मारा जा सकता है। अब मैं श्रापित डॉल कहाँ से लाऊं, श्रापित डॉल कहाँ से खोजूं, मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मेरे को एक बाबा याद आ गए, लेकिन उनको कहाँ है ढूंढना भी पड़ेगा, इसलिए ढूंढने जा रहा हूँ मैं जल्दी से। मेरे हिसाब से सबसे पहले कंटेनर साइट जाना चाहिए क्योंकि वो कंटेनर साइट कुछ ज्यादा ही रहते हैं। चलो मैं कंटेनर साइट तो आ गया, लेकिन यहाँ बाबा कहाँ होंगे। मेरे हिसाब से तो इसको ऊपर जाना चाहिए, ऊपर ही देखता हूँ क्योंकि वो ज्यादातर ऊपर ही रहते हैं। फटाफट से बाबा के पास जाता हूँ, ना तो चौकी डॉल और ही तबाही मचाने लगेगी। अरे भाई इतना खतरनाक जंप मारा भाई, अभी तो मैं गिर ही जा रहा था, डर लगता भी है मेरे को। देखो ना भाई इतना ऊंचाई है भाई, बहुत डर लगता है, अगर गिर गया तो पूरा हड्डी पसली टूट जाएगा यार। वैसे भी मेरे को अगर ये काम नहीं किया तो चौकी डॉल पूरा मेरे को मार ही देगी। बाबा से हेल्प ले लेता हूँ यार, ना तो मेरे को चौकी डॉल पूरा ही मार देगी। चलो यार ऊपर तो मैं जाने ही वाला हूँ, ठीक है भाई पहुँच भी गया। चलो यार ऊपर में पहुँच गया, बाबा कहाँ है, यहाँ नहीं होंगे तो मेरे को फिर नीचे जाना पड़ेगा। फटाफट से उतर के देखता हूँ कहाँ है बाबा। ये बालक मेरे को पता ही था तुम यहाँ तो आओगे ही जरूर, क्योंकि चौकी डॉल पूरा शहर को तबाही करने वाली है। हाँ बाबा बचा लो ना हमें, कैसे इसको मारा जाए। ये जादू को तुमको लाना है और ये दरवाजे को खोलना है, फिर हगी वगी आजाद होगी, चौकी डॉल को मारने आ जाएगा। चलो तब जाता हूँ चाबी को लेने, मेरे हिसाब से तो ये सामने वाले बिल्डिंग के पास में ही होगा। अरे यार मेरा टायर फंस गया, अरे यार निकल तो गया यार, जल्दी से जाता हूँ उधर, जल्दी जल्दी और ध्यान से ही जाना पड़ेगा, ना तो मैं गिर जाऊंगा तो फिर ये काम कौन ही कर पाएगा। चलो तो ये रैंप को पार करके ये बिल्डिंग में आ गया, अब दूसरे बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा रैंप है लेकिन इसको भी पार कर ही दूंगा। लेकिन ये क्या, यहाँ तो बिल्डिंग जा रहा है और इधर रास्ता जा रहा है, मतलब ये रैंप दो दो जगह जा रहा है, मैं कहाँ जाऊँ यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये बालक तुम सामने जाते जाओ, कहीं की इधर उधर भटको मत, सामने एक बिल्डिंग है वही है चाबी तुम्हारा। समझ गया मैं, अब जल्दी से जाता हूँ, ये पूरा ऊपर जाना है अभी क्योंकि ऊपर ही होगा चाबी। अरे यार ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है यार, अरे यार बिल्डिंग में टकरा गया। चलो यार बच गया अभी, अगर दूसरी जगह ब्रेक फेल हुए रहता तो मैं तो गया ही था। आराम आराम से जाता हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा ही बाकी है, अब फिर तो मैं चौकी डॉल को मार ही दूंगा, मैं नहीं मतलब हगी वगी डॉल मार ही देगा। आराम आराम से जाता हूँ, गाड़ी भी बहुत फिसल रहा है यार। अरे यार मैं तो कह, अरे यार बैक हो जाए, अरे हाँ बैक तो हो गया, अब जल्दी से ऊपर जाता हूँ। अरे यार अभी तो मैं गिरते गिरते बच गया यार, अब कहाँ है वो चाबी देखना पड़ेगा। अरे यार चाबी तो यहाँ पर मिल गया, अब जल्दी से जाता हूँ वहाँ जंगल साइड, उधर ही शायद तक दरवाजा होगा, लेकिन नीचे जाते समय भी आराम आराम से ही जाना पड़ेगा, ना तो अभी तो गिर ही जा रहा था, लेकिन बच गया मैं फिर से, अभी ना गिरूं तो ठीक है। चलो अभी तो थोड़ा ठीक रास्ता है, वहाँ पर तो थोड़ा गड्ढा टाइप का भी था। अरे यार मैं तो भूल गया था, मेरा तो ब्रेक फेल ही हो गया था, अब मैं क्या करूँ। अरे यार बच गया मैं, अब यार यहीं से डेगना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर से नीचे जाऊँगा तो ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है, कुछ होगा नहीं, इसलिए यहीं से नीचे उतरता हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी काम करना है, अभी ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं इसलिए मैं नीचे जंप मार देता हूँ जल्दी से। अरे यार ज़्यादा कुछ होना ही मत यार प्लीज़। अरे कमर में जोड़ का झटका लगा, लेकिन क्या करूँ यार, मेरे को अभी जाना ही पड़ेगा उधर जंगल साइड, दरवाजा भी खोलना है। अरे यार जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरता हूँ, अरे यार मैं तो नीचे गिर गया यार, जोर से चोट लगा अभी, कमर में झटका लगा था। और चलो अब दरवाजा कहाँ है ढूंढना पड़ेगा, अरे यार मिल गए यहीं पर है, अब जल्दी से चाबी लगा के यहाँ से निकलता हूँ, 60 सेकंड का टाइमर भी लग गया, जल्दी से घर निकलता हूँ, ना तो ये पहले आ गया तो फिर मेरे को मार ही देगा, या चौकी डॉल आ गई तो। अरे यार हगी वगी डॉल तो आने भी लगा, अब चौकी डॉल का क्या हो गया, अब तो चौकी डॉल गई। अरे दोनों एक साथ आ गए, अब क्या हो गया। अरे यार इतना जोर से मारी चौकी डॉल, लेकिन ये क्या हगी वगी डॉल ने इसको चौकी डॉल को तो मार ही दिया। कैसा लगा वीडियो, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ नीचे भी दिया है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके जाना।